हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग एकदम ही अलग तरीके से। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोरे का निशान लगाएंगे नीचे से 2 इंच पर। तो यहाँ पर हमारी फुल लेंथ है सलवार की 38 इंच, उसमें से हम 6 इंच बेल्ट का माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 31 इंच, और उसमें हमने जो नीचे मोहरे का 2 इंच है वो प्लस करना है तो हमारी फुल लेंथ हो जाएगी 33 इंच। तो हम 33 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम 7.5 इंच पर मोहरे का निशान लगाएंगे। हमने जो लेंथ मार्क की है वो है 33 इंच, तो हम उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 16.5 इंच। तो हम ऊपर से 16.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये कपड़ा बचा है उसे हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे। और ऊपर से 6 इंच छोड़कर जहाँ पर 15 इंच बनता है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारा हिप मेजरमेंट है 44 इंच, और उसमें हम 6 इंच का लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 50 इंच। तो डबल फोल्ड करने के बाद हमारी बेल्ट 25 इंच की बनके रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम सलवार की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट के एक साइड को फोल्ड कर लेंगे।
अब जहाँ पर मैंने चौक से मार्क लगाया है वहाँ पर आपको स्टिच करना है, और जहाँ पर मैंने खाली जगह छोड़ी है वहाँ पर आपको स्टिच नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप कपड़े को इस तरह से खोलेंगे तो इसमें ये एक होल बन जाएगा जिसमें से आप डोरी पास कर सकते हैं। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है, इसमें डोरी के लिए ये होल भी बन गया है। अब हम इसे फोर फोल्ड कर देंगे और कट लगा देंगे। अब ये हमने जो बॉटम पार्ट कटिंग किया था उसे भी हम अटैच कर लेंगे। अब हम सारे पीसेस को इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे काट ले। तो हमारे सारे पार्ट्स जॉइंट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के लिए यहाँ पर प्लीट्स लेंगे। हमें सिर्फ तीन तीन प्लीट्स ही लेनी है। तो हमने दोनों तरफ तीन तीन प्लेट्स लगा दी है और इस पार्ट को हम पीछे की तरफ रखेंगे। अब हम बेल्ट लेंगे और बेल्ट के पिछले वाले हिस्से पर इसे जॉइंट कर लेंगे।
अब हमारा बेल्ट का हमने जो फोर्थ पार्ट पर कट लगाया था वहां तक आपको सीधी सिलाई लेनी है और उस कट से आपको प्लीट्स लगाना स्टार्ट करना है। अब हमारा जो बेल्ट का फोर्थ पार्ट हमने मार्क किया था वहां पर से आपको प्लीट्स लगाना स्टार्ट करना है। अब आपको यहां से यहां तक ही प्लीट्स लगानी है। और ये देखिए एक साइड के सारे प्लीट्स लग गए हैं। अब हम दूसरी साइड भी प्लीट्स लगाएंगे। दोनों प्लीट्स को हमको आमने सामने रखना है। हमने ये दोनों साइड प्लीट्स लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, तो उससे प्लीट्स अच्छे से बैठ जाएंगे। अब हम मोहरी की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये कैनवास लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।